जीनियस ये शब्द सुनते ही दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन याद आते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि नई 14 मार्च उनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की 10 ऐसी बात जानेंगे जो कि आपने किताबों में नहीं मिलेगी और आपने कभी सुनी होगी। तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट साइंटिस्ट कौन है, तो शायद आप में से बहुत लोग के फेवरेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन के फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? तो वो थे गैलीलियो गैलीली। फैक्ट नंबर 9, एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन की वाइफ से पूछा गया था, क्या आप अपने हस्बैंड की थ्योरीज को समझते हो? उन्होंने कहा नहीं, और साथ में ये भी कहा, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को समझती हूँ और इन पर भरोसा किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी आइंस्टाइन को कार चलाना नहीं जानते थे और इन्हें समुद्री यात्रा बहुत पसंद थी, लेकिन इनको तैरना नहीं आता था। फैक्ट नंबर 7, जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो उनका सिर बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा था और डॉक्टरों ने इनसे कह दिया था कि मानसिक तौर से ये विकलांग है, और आइंस्टाइन ने 7 साल की उम्र से पहले पढ़ना शुरू नहीं किया था और आइंस्टाइन ने हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। फैक्ट नंबर 6, आइंस्टाइन की 4 साल की उम्र होने तक वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे। एक बार वो अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए अचानक पहली बार बोले, सूप कितना गर्म है। ये सुनने के बाद आइंस्टाइन के पेरेंट्स शॉक्ड हो गए थे। फैक्ट नंबर 5, ये तो आप जानते ही होंगे, आइंस्टाइन को बचपन में मन बुद्धि वाला लड़का माना जाता था। टीचरों ने ये तक कह दिया था कि ये बंदा यानी कि आइंस्टाइन, ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो ही लड़का दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया आइंस्टाइन को मन बुद्धि कहा जाता था। एक बार आइंस्टाइन के मैथ के प्रोफेसर ने आइंस्टाइन को लेजी डॉग कह दिया था। आइंस्टाइन पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही था। फैक्ट नंबर 3, सन 1952 में आइंस्टाइन को इजराइल की तरफ से राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर ऑफर को मना कर दिया कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने बल्कि साइंस के लिए बने हैं। फैक्ट नंबर 2, आइंस्टाइन को पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए वो अपने आराम में कभी कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए वो अपने पूरे 10 घंटे की नींद लिया करते थे ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। फैक्ट नंबर 1, आइंस्टाइन के पास बहुत सारे टीनेजर आया करते थे, वो उनसे अपनी सक्सेस का राज पूछते थे। एक बार एक टीनेजर आया और उनसे पूछने लगा कि सर, दुनिया में आपका इतना बड़ा नाम है और लोग आपकी तारीफें करते हुए थकते नहीं हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि महान बनने के लिए सीक्रेट तरीका क्या है। तो जानते हैं दोस्तों आइंस्टाइन ने क्या कहा? सिर्फ एक शब्द, लगन। तो भाई, आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको हमारी इस वीडियो का सेकंड पार्ट मिल पाए। और इस वीडियो को आपको पसंद आई हो या आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए मिला हो, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और आप दूसरे को भी शायद इसको नॉलेज को शेयर कर सकते हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना और आपकी बहुत ज़रूरत है।